गुजरात के युवाओं को। देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने अपने हक के लिए दिल्ली को अपना अखाड़ा बना लिया है। कई दिनों से पहलवान अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में पहलवानों ने संकेत दिए हैं कि वे अपना धरना जल्द ही रामलीला मैदान में ले जाएंगे, जहां पर ये धरना अब प्रदर्शन में बदल सकता है। लिहाजा पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से लेकर बंगला साहिब तक मार्च निकाला। तो वहीं पहलवानों को अब किसानों और खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलने लगा है। हम निर्णय लेने में सक्षम है और इस दिल्ली की नाखून कान बंद करने में भी सक्षम है। हम इस दिल्ली को इसकी औकात दिखाने में सक्षम है। बीच में नहीं आना, फिर या तो आप निर्णय लो, हम आपका साथ देंगे, वरना हम निर्णय लेंगे, आप हमारा साथ देगा। इसी कड़ी में समाज सेविका योगिता ने सबसे डटे रहने की अपील की है। सब कुछ नारी के इर्द गिर्द होता है, सारी पूजाएं, सारी शक्तियां नारी की हैं, पर नारी ही इतना सफर कर रही है इस देश में कि उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है न्याय लेने के लिए। पर हमें मालूम है ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो गई और लंबी हो सकती है, पर हम हताश नहीं हैं, हारेंगे नहीं। ये बात तो है, आप मानते हैं हारेंगे नहीं, हारना तो है ही नहीं, क्योंकि ये नारी के सम्मान की लड़ाई और इसी देश में हर नारी के सम्मान की लड़ाई जीती गई है। और जिन्हों चाहे जो कोई भी हो, तो हमें ये बात से डरना नहीं है कि कौन सामने है, हमें ये देखना है कि कौन सही है। वहीं आरएलडी नेता प्रभात तोमर ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करा गया और वो आज खुलेआम घूम रहा है। उसमें हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम आज सभी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यों ने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। नहीं, उनका नार्को टेस्ट कराओ ना, नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट में जो भी होगा वो मानना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है, अदालत में दिखाएंगे सबूत। बता दें पहलवानों के धरने को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है, लेकिन पहलवानों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण को WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।